हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसटीटीई का एग्ज़ाम जो हुआ था 2019 में, उसका रिजल्ट आ चुका और सातवां फेज का इसमें आप लोगों को मिलने वाला ज्वाइनिंग लेटर। तो जानिए आपको कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, किस टाइम मिलेगा और कैसे ज्वाइनिंग करना है। तो आपको मैं बता दूं, जैसा कि शिक्षा विभाग ने सातवें चरण से एक रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली की योजना तैयार की है। शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब फूंक फूंक कर कदम रखा है। यह भी घोषणा की गई है कि जब तक सभी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी, तब तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी कागजातों का चेक नहीं हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में करीब 1.25 लाख प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर और उच्च माध्यमिक हाई स्कूल के टीचर जो हैं, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसकी। छठे चरण के नियोजन की इस प्रक्रिया के बाद सातवें चरण के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी की है। परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सातवें चरण से रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए शिक्षकों की बहाली, टीचर अपॉइंटमेंट की तैयारी की है। अभ्यर्थी सरकार के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन यह मांग भी कर रहे हैं कि पहले छठे चरण की काउंसलिंग शिक्षा विभाग जल्द से जल्द पूरी कराए। दरअसल छठे चरण में 90,762 प्राथमिक शिक्षक और 30,020 माध्यमिक उच्च माध्यमिक और शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया वर्ष 2019 से ही चल रही है। पंचायत चुनाव की वजह से प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन का मामला अटक गया था। प्राथमिक शिक्षा नियोजन में 2 राउंड की काउंसलिंग में 38,000 अभ्यर्थियों की चयन छठे चरण में हो चुका है। वही माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन जो है, प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होने की संभावना है। जो राउंड के काउंसलिंग में बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट पर अभ्यर्थियों के चयन की पुष्टि शिक्षा विभाग द्वारा जारी जाँच में हुई है। कई जगहों पर चयनित सूची को रद्द कर दिया गया है। शिक्षा विभाग फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अब फूंक फूंक कर कदम रखा है। यह भी घोषणा की है कि जब तक सभी सर्टिफिकेट की जांच नहीं होगी, तब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा जब तक आपका कागजात चेक ना हो जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। NIOSDLED संघ के अध्यक्ष कुमार ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हम लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि मुखिया के प्रभाव से हमें मुक्त किया जाए। सरकार रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए बहाली की योजना बना रही है, तो यह स्वागत योग्य है। सातवें चरण से पहले सरकार छठे चरण के नियोजन और काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराए। करीब 1 लाख अभ्यर्थी अब भी काउंसलिंग के इंतजार में बैठे और शिक्षा विभाग ने एक नए तरीके का नियम पारित किया है, जिसमें आप सभी अभियात्री को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अभियात्री को सिर्फ कागजात जमा करने के लिए ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। चिंतित रंजन गगन ने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में भी शिक्षकों की बहाली BPSC के जरिए होती थी। अब सरकार की आंख खुली है और रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए बहाली की योजना बनाई जा रही है। प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की बहाली भी सरकार BPSC के जरिए करने वाली है, लेकिन छठे चरण के बीच में क्यों छोड़ दिया गया? राजद नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह बिहार में शिक्षा और शिक्षकों को पता नहीं कौन सा बदला ले रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ज्वाइनिंग लेटर तभी मिलेगा जब छठे चरण की नियुक्ति पूरी हो जाएगी। छठे चरण की नियुक्ति पूरी होने के बाद तुरंत सरकार सातवीं चरण की ओर कदम बढ़ाएगी। उसके बाद आप लोगों को कागजात जमा करने होंगे और कागजात मैच करने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जो कि अभी लगभग मई तक मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी को दबा देना, ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।